हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए धमाकेदार गेम प्ले वीडियो में। तो कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद करता हूं कि यार आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है हमारी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड कमाल की होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई लोगों, यहाँ पे देख पा रूंगी ये हमारा न्यू ट्रैक्टर सोनालिका DI-35। और गाइज आपको बताऊंगा कि यार हमारे गेम में दिन प्रतिदिन बहुत सारे न्यू अपडेट आते रहते हैं, जिसमें से भाई लोगों अभी ट्रेंडिंग के अंदर चल रहा है हमारा न्यू अपडेट। वो अपडेट कौन सा भाई लोगों? और गाइज हमारे गेम में मैं आपको दिखाने वाला हूँ हमारे गेम में हमारी जो ट्रॉली है ना गाइज, उसको खाली कैसे करें। खाली करने का सिस्टम सभी के पास आ चुका है, लेकिन भाई लोगों ट्रॉली को कैसे छोड़े, तो गाइज ना ट्रॉली को ट्रैक्टर से अलग कैसे करें, ये आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। और गाइज ट्रैक्टर से ट्रॉली को अलग करना बहुत ही आसान है यार। इसकी जो गाइस है ना ट्रॉली अलग करने की मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं, तो बने रहेगा वीडियो में एंड तक। तो गाइस यहां पे देख पा रहे होंगे यार, यहां पे हम आ चुके हैं हमारे गन्ने की खेत पे। तो गाइस हमारे गेम में ना ट्रॉली को अलग करने का सिस्टम गाइस बहुत ही आसान है, जितना आप सोच रहे हो ना वो तो वही नहीं भाई लोगों। आप सोच रहे होंगे यार ट्रॉली खाली करने का तो हमारे पास अपडेट आ गया, लेकिन ट्रॉली छोड़ने का हमारे पास अपडेट ही नहीं है यार। तो भाई लोगों ट्रॉली, जिस दिन हमारे गेम में ट्रॉली खाली करने का सिस्टम आया था ना, उसी दिन हमारे गेम में आ चुका था हमारा न्यू अपडेट, लेकिन भाई लोगों उसका हम लोगों को पता नहीं है। वो अपडेट है गाइस हमारी ट्रैक्टर से ट्रॉली अलग करने का सिस्टम। और गाइस ट्रॉली से आप लोगों ना कोई भी व्हीकल अलग कर सकते हो, रोटावेटर, कल्टीवेटर, हल, पुलाव, और भी गाइस बहुत सारी चीजें है ना आप हमारी ट्रैक्टर से अलग कर सकते हो और उसको एक जगह पे खड़ा कर सकते हो, है ना गाइस इंटरेस्टिंग। तो इसी बात पे यार वीडियो को लाइक कर देना एंड साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को गाइस सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो यहाँ पे भाई लोगों हम आ चुके हैं हमारे फार्म हाउस पे, चलते हैं गाइस। वो दिख रहा होगा सामने आपको हमारा फार्म हाउस, तो वहाँ पे जाके गाइस ना मैं आपको अपनी ट्रॉली को ट्रैक्टर से अलग करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि आपको बताइए रास्ते पे हम लोग अलग करेंगे तो फिर गाइस ना जुड़ना मुश्किल हो जाएगा। जोड़ने का सिस्टम भी हमारे गेम में है, लेकिन वो तो हम लोग वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो गाइस यहाँ पे सामने दिख रहा होगा आपको हमारा फार्म हाउस, और इसके नज़दीक ही है गाइस हमारी स्कूल। तो भाई लोगों स्कूल के अंदर चलते हैं, और स्कूल के अंदर है ना गाइस, स्कूल का जो फील्ड है ना ग्राउंड, स्कूल के अंदर गाइस मैच वगैरह खेलते हैं बंदे, स्कूल के जो बच्चे होते हैं ना गाइस वो मैच वगैरह खेलते हैं। तो वहाँ पे उस ग्राउंड के अंदर हम लोग ना इसको खड़ा करने वाले हैं, लेकिन चलो क्या ही ग्राउंड के अंदर खड़ा करें, इसको तो हम लोग हमारे फार्म हाउस पर खड़ा कर देते हैं। तो खड़े करने की जो ट्रिक है ना गाइस वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे गाइस हम तो आ चुके हैं हमारे फार्म हाउस पे, तो यहाँ पे सामने खड़ी कर दी थी इसको। तो यहाँ पे मैं ब्रेक मारता हूँ, और ब्रेक मारने के बाद गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको करना मतलब है ना एक व्हीकल से दूसरे व्हीकल पे स्विच होना है। तो यहाँ पे कस्टमाइज में गए, और यहाँ पे AI ऑफ, यहाँ पे इसको ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा AI सिस्टम ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे अब गाइज ना आपको AI व्हीकल वाले पे स्विच होना है। तो यहाँ पे मैं इस पर स्विच हो चुका हूँ। तो गाइज आपको जाना है यहाँ पे कस्टमाइज में, कस्टमाइज में जाने के बाद मॉडिफिकेशन में, मॉडिफिकेशन में जाने के बाद गाइज यहाँ पे आपको दिख रही होगी हमारी ट्रॉली। तो ट्रॉली को यहाँ पे आपको टिक करना है इसको, तो यहाँ पे इसको आपको अनटिक कर देना, मतलब टिक को हटा देना। तो यहाँ पे मैंने टिक को हटा दिया, अब आपको क्लिक करना ड्राइव पे, और फिर से गाइज आपको ना उसी व्हीकल पे स्विच हो जाना है। तो गाइज इस पर हम लोग स्विच हो चुके हैं। अब गाइज आपको क्या करना है, समझ रहे होंगे आप लोग यार, थोड़ा बहुत तो ध्यान से देखना गाइज। यहाँ पे आपको फिर से जाना कस्टमाइज में, कस्टमाइज में जाने के बाद मॉडिफिकेशन में, और यहाँ पे आपको फिर से इसको टिक कर देना है। ये देखो गाइज हमारी ट्रॉली है वो ट्रैक्टर से अलग हो चुकी है। भाई मेरे को तो बिलीव नहीं हो रहा भाई, ट्रैक्टर से हमारी ट्रॉली अलग हो चुकी है। तो गाइज ये तरीका है यार हमारे ट्रैक्टर से ट्रॉली अलग करने का। अब गाइज बड़ी वाली ट्रॉली मैं आपको ना अलग करके दिखाता हूँ। तो बड़ी वाली ट्रॉली भी गाइज मैं आपको यहाँ पे अलग करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे किधर गाइज, यहाँ पे आगे लेते हैं, आगे लेने के बाद यहाँ पे इस ट्रैक्टर की सीट में लेते हैं। तो यहाँ पे ब्रेक मारते हैं, और यहाँ पे गाइज ब्रेक मारने के बाद फिर से हम लोगों को यहाँ पे जोड़नी है हमारी न्यू ट्रॉली। तो यहाँ पे गाइज मैंने जोड़ ली हमारी ट्रॉली, तो यहाँ पे बड़ी वाली ट्रॉली जोड़नी, सॉरी गाइज हमको, तो बड़ी वाली ट्रॉली को अलग करने के लिए आपको AI व्हीकल पे स्विच होना है। इस पर स्विच होने के बाद आपको यहाँ पे कस्टमाइज में जाना और मॉडिफिकेशन में, और यहाँ पे गाइज इसको ना टिक को अनटिक कर देना। तो यहाँ पे अनटिक करने के बाद ना सबसे पहले आपको फिर से उसी वाले व्हीकल पे स्विच होना है। इस पर स्विच होने के बाद आपको कस्टमाइज में जाने के बाद मॉडिफिकेशन में जाना, और यहाँ पे भाई लोगों आपको यहाँ पे टिक कर देना हमारी मेन वाली ट्रॉली पे। तो गाइज मैंने यहाँ पे टिक कर दिया, आप गाइज आगे लेता हूँ। तो ये चेक करो भाई लोगों हमारी जो ट्रॉली है वो एक जगह पे खड़ी हो चुकी है। तो खड़ी करने का गाइज मैंने आपको तरीका समझा दिया। अगर गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।